हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नए स्टॉक के बारे में, यानी कि इस चैनल पर हम लोग पहली बार इस स्टॉक को कवर कर रहे हैं और कंपनी का नाम है रतन इंडिया पावर लिमिटेड। ये शेयर पैनी स्टॉक है, पहले से मैं आपको बता दे रहा हूँ, और पहली बार ही इसको जब हम चैनल पर कवर कर रहे हैं तो हमेशा की तरह इसके फाइनेंशियल्स, इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न, अभी तक का ट्रेंड कैसा रहा है, रिटर्न प्रोफाइल क्या है, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे, सो डैट आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कंपनी के बारे में। और फिर हम यहाँ पर देखेंगे आखिर टारगेट क्या निकल के आ रहे हैं और यहाँ से एक्सपेक्टेशन क्या है और अभी तक की इंपॉर्टेंट अपडेट्स क्या हैं। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए, सो डेट सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहले मार्केट के बारे में जान लेते हैं। तो मार्केट की क्लोजिंग आज थोड़ी सी पॉजिटिव साइड पर हुई है। सेंसेक्स में 267 पॉइंट्स का अपसाइड है, निफ्टी 50 में 70 पॉइंट्स का अपसाइड है, निफ्टी बैंक में 266 पॉइंट का डाउनसाइड है, वहीं 100 पॉइंट्स के आसपास निफ्टी मिड कैप आज के दिन मूवमेंट दिखाते हुए नज़र आया है। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करते हैं टॉप गेनर के बारे में तो PNC इंफ्राटेक, जनरल इंश्योरेंस, फिनोलैक्स केबल, BEML 9% से लेके 13% तक का मूवमेंट है आज के दिन के टॉप गेनर हैं। वहीं GSFC, ग्लोबल हेल्थ, महा सीमलेस, BHEL 5.5% से लेके 8% तक की गिरावट है आज के दिन के टॉप लूज़र हैं। कमेंट में आप मुझे बताइए इन 8 स्टॉक में से कौन से स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में इस टाइम पर अवेलेबल हैं। बात करते हैं यहाँ पर रतन इंडिया पावर लिमिटेड के बारे में। 13 रुपये का स्टॉक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 21 मई का मैंने आपको डेटा दिखाया है पहले, सो दैट एक आइडिया लग जाए आपको। 21 मई को यहाँ पर 5% की गिरावट हुई थी। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि 14.40 रुपये पर शेयर था और क्लोजिंग हुई थी लगभग 13 रुपये के आसपास, तो इसमें 5% की गिरावट हुई थी। और आज आप यहाँ पर देखो तो शेयर में लग गया है सर्किट, 5% का अपर सर्किट लगा है और 13.80 रुपये पर शेयर पहुंचा है। अब यहाँ पर 5% की जो लिमिट है वो लग गई है सर्किट पे, ठीक है। तो 13.35 रुपये पर यहाँ पर ओपन हुआ था, 13.80 रुपये का हाई है और आज यहाँ पर सर्किट लिमिट हिट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5% की सर्किट लिमिट के बाद यहाँ पर आज के दिन की क्लोजिंग है और 5% का सर्किट 13.80 रुपये पर शेयर यहाँ पर क्लोजिंग देते हुए नज़र आया है। बात करें यहाँ पर वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज के बारे में तो आज आप यहाँ पर देखो लगभग 16 करोड़ का वॉल्यूम है, जिसमें अगर आप देखते हो एक दिन पहले 40 करोड़ का वॉल्यूम था जिसमें से 40% की डिलीवरी थी। ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग सेशन रहा था, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर गिरावट ज़्यादा हुई थी। फिर अगर आप देखते हो 18 करोड़ का वीकली एवरेज है, 9 करोड़ का मंथली एवरेज है, यानी कि यहाँ से एक हफ्ते से ही अगर आप देखो तो अच्छा खासा वॉल्यूम आना इस पर्टिकुलर स्टॉक में स्टार्ट हो गया। अच्छी बात ये है कि दोनों ही जगह पर अगर आप देखते हो तो मंथली और वीकली में जो डिलीवरी परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। चाहे आप यहाँ पर मंथ में देखो तो 65% है, वीक में देखो तो 41% है, जो कि एक इंडिकेशन करता है कि कोई अगर यहाँ पर बड़ी गिरावट होती है तो शेयर मजबूती वाली सिचुएशन में भी बहुत जल्दी आ सकता है। अब आगे की डिटेल पर जाने से पहले कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो की मैट्रिसेस में तो इतना कुछ पता नहीं लग पाएगा, जैसे कि PE रेशियो माइनस में दिखा रहा है सेक्टर का अभी बहुत ज़्यादा है, वहीं डिविडेंड यील्ड इसका कुछ है नहीं है, तो यहाँ से ऐसा सच हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाएगी। लेकिन फाइनेंशियल ट्रेंड, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जब भी आप किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, आप यहाँ पर देख पा रहे हो 2020 से लेकर 23 तक का डेटा है और कॉन्टीन्यूअसली कंपनी पिछले 3 सालों से लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है। 0.94 1.98 डबल हो गया लॉस, 1.87 थोड़ी सी रिकवरी है लेकिन फिर भी बड़े लॉस में है कंपनी। यहाँ पर यहाँ से रेवेन्यू भी ड्रॉप हुआ, यहाँ से इंक्रीज हुआ, यहाँ पे ड्रॉप हुआ, यानी कि अगर हम इसके पिछले चार पाँच साल पुराने फाइनेंशियल्स पर नज़र डालें तो वो बिल्कुल भी अच्छे तो नज़र नहीं आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग या ओवरऑल शेयर होल्डिंग क्या है, तो देखो प्रमोटर्स ने तो 44% की होल्डिंग अभी भी इस स्टॉक में ले रखी है, जो कि अच्छी चीज़ है। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग लगभग ना के बराबर है, DII 6.59 है, 2% की होल्डिंग FIIs की है और रिटेलर्स दे आप देखो पहले यहाँ तक थे रिटेलर्स, ये अचानक से इंक्रीज़ हुआ है।
लोगों को पता लगना स्टार्ट हुआ तो इसमें दबा कर इन्होंने ख़रीदारी कर ली है और इसी वजह से अब इसमें सर्किट की लिमिट भी लगती हुई नज़र आ रही है। तो अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखो तो वो उतना ख़राब नहीं है जितने इसके फाइनेंशियल्स हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि रिटर्न्स क्या हैं। तो रिटर्न्स के लिए मैं मनी कंट्रोल की साइट पर आपको लेके आ गया हूँ, जहाँ पर आपको रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। आप ये है रिटर्न्स का डेटा, तो ये सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव डेटा है जिस वजह से इसमें रिटेलर्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। YTD 1 जनवरी से लेके अभी तक 52% के रिटर्न्स, एक हफ्ते में 14.5%, एक महीने में 50% से ज़्यादा के रिटर्न्स है, 3 महीने में 33%, 6 महीने में लगभग 50% के रिटर्न्स है, लेकिन वहीं 1 साल में 350% के रिटर्न्स हैं, 2 साल में लगभग 240%, 3 साल में 336%, 5 साल में 500%। समझ पा रहे हो आप कितने बड़े रिटर्न्स हैं, और इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बोल दूंगा, रिस्क बहुत ज़्यादा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन रिवॉर्ड रेशियो भी उतना ही है। तो रिस्क जो ले सकता है अच्छी खासी, उसके लिए तो बहुत अच्छा स्टॉक है। अब मैं आपको डायरेक्टली रिपोर्ट पर लेकर चलता हूँ, सो डैट आपको यहाँ से टारगेट के बारे में आइडिया लग जाएगा। 18 पर जाएगा यह पावर शेयर, खरीदने की मच गई लूट। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखो तो बात की जा रही है रतन इंडिया पावर लिमिटेड के बारे में। पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनी रतन इंडिया पावर लिमिटेड के शेयर भारी डिमांड में है। सप्ताह के स्पेशल ट्रेडिंग डे पर यानी कि शनिवार को भी इस में अगर आप देखते हो तो 5% का सर्किट लगा था, और यहाँ पर ओवरऑल 52-week हाई जो है वो इसने बनाया था। बीते 4 दिन में रतन इंडिया पावर लिमिटेड के शेयर में 5% का अपर सर्किट लग रहा है। इस शेयर ने 1 महीने में 60% और 1 साल में 350% तक के रिटर्न्स दिए हैं। इसी बीच रतन इंडिया पावर लिमिटेड ने BSE को सूचित किया है कि कंपनी के निदेश मंडल की बैठक जो है वो 22 मई को होगी, यानी कि जो इनकी बोर्ड ऑफ मीटिंग है वो 22 मई को होने वाली है, जिसमें इनके Q4 के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। इस बैठक में अन्य बातों के अलावा Q4 के रिजल्ट्स जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर किए जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर कि आखिर जो मेन चीज़ निकल कर आ रही है टारगेट, वो क्या है। तो शेयर बाजार के एक्सपर्ट IIFL सिक्योरिटीज़ के निदेशक संजीव बसीन ने इस शेयर को लेकर कहा कि यह पावर सेक्टर का नया गोल्ड है। बसीन के मुताबिक इस शेयर की कीमत 18 रुपये तक जा सकती है। बता दें कि रतन इंडिया पावर के प्रमोटर्स के पास 44% की जो होल्डिंग्स है, पब्लिक शेयर होल्डर लगभग 55-56% है, और प्रमोटर्स रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड के पास लगभग 19-20% की होल्डिंग्स है। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखते हो तो संजीव बसीन का एक फेवरेट स्टॉक ये जो है वो बनते हुए नज़र आ रहा है, जिसके टारगेट आपको 18 रुपये बता दिए हैं, 13 रुपये पर ये आसपास ऑलरेडी चल ही रहा है। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसमें निवेश करना है या फिर नहीं। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख दी है, बाकी कॉल टोटली आपकी ही रहने वाली है। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।